नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और आपको क्या करना चाहिए अगर आपका आने वाले समय में एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है आगे किसी डेट में, तो आप ऐसा क्या करें कि आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर हो जाए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक को चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि अगर एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ कि कोई भी आप टेस्ट बुक खरीद लीजिए या किसी का भी ऑनलाइन टेस्ट खरीद लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर के 2020 के जो क्वेश्चन है उनको एग्ज़ाम में लगा कर जाइए। और सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले आपको बनाना चाहिए जीके बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में जाते हैं तो जीएस बनाइए, जीके बनाइए, उसके बाद आप इंग्लिश बनाइए, उसके बाद आप रीजनिंग बनाइए और सबसे लास्ट में मैथ्स बनाइए। इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आपको मैक्सिमम, मुझे मैं जहां तक आपको बोलूँगा कि 92 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर 92 प्लस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तभी आपके पास चांस है, अगर इससे कम आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास चांस नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए तभी इसमें आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा और क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान होता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, मैं एग्ज़ाम एनालिसिस कभी ले के नहीं आता हूँ। क्यों नहीं लेके आता हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है, इसका जो लेवल होगा बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। जैसे एक मैथ्स का ही क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे होंगे कि एमआरपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं अगर आपने तैयारी किया होगा तो। आगे देखिएगा, यहाँ सिंप्लीफिकेशन आता ही है, प्रॉफिट लॉस आएगा ही, मिक्सर आएगा, सिंपल एसआईसीआई तो आना ही है, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डेटा डीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब टॉपिक से आता ही है। हाइट एंड डिस्टेंस भी ऐड कर लीजिए इसमें आप, ठीक है। अब इंग्लिश का भी सेम टॉपिक है, ये कोई भी एग्ज़ाम होगा ना एसएससी का, कभी भी एग्ज़ाम आप देख लेंगे, कोई भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा सेम यही रिपीट होने वाला है और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लेवल में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जीके में आपको हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो, बाकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश एक जैसे रहते हैं। अब यहाँ देखिए, आइटम्स, फ्रेजेस है, सिनोनम्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एंटीनोम्स है, सिनोनम्स है, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव भी आ जाता है एक नंबर का, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, दो तीन नंबर का पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लोज टेस्ट है। तो ये हर एक शिफ्ट में आना है, तो इसके लिए एग्जाम एनालिसिस लाना जरूरी मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है। कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, उसके पूछा जा रहा है। तो सीरीज टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर ब्लड काउंटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, वेन डायग्राम से भी पूछा जाता है बट बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलुलिज में पूछा जा सकता है, हाँ वेन डायग्राम से पूछा जाता है एक नंबर का, फिर से ये पूछा जाएगा सेलुलिज में एक या दो नंबर, पेपर फोल्डिंग मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग मिरर इमेज है, ऑड वन आउट, मिसलेनियस क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा जाता है, वो अल्फ़ाबेट वाला पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे अगर हम जीके के बारे में बात करें तो जीके में दोस्तों हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे। पहले हम बता देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं, अटेम्प्ट आपको पहले कितना करना है। तो मैथ्स के बारे में हम बात करें तो मैथ्स में आपको कम से कम 22 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, 22 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 22 क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग में आपको कम से कम मुझे, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि 23 क्वेश्चन सही करके आना है, क्योंकि 23 क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा अगर आपने रीजनिंग सही से किया है तो, ठीक है। उसके बाद जीके आसान होता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि जीके में कम से कम आप 16 क्वेश्चन सही कीजिए, 16 या 17 क्वेश्चन सही कर लीजिए, 16-17, ठीक है। मान लीजिए कि आप अटेम्प्ट किए 25, 18 क्वेश्चन आपने सही किया, किसी तरह 18 क्वेश्चन सही हुआ जो कि होना चाहिए, 18 क्वेश्चन सही हुआ, तो 7 क्वेश्चन गलत होगा। अब 7 क्वेश्चन गलत होगा तो कितना नंबर आ जाएगा, लगभग आपका 30 के आसपास नंबर आना चाहिए। जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो रॉ स्कोर होना चाहिए जीके में 30 होना चाहिए, आप कितना भी बनाइए 30 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना।
आगे देखिएगा, अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में आपका इसको आपका जो स्कोर होना चाहिए 16, और आप 25 बना लीजिए, 16 सही बनाइए, 25 में से 16 सही होना चाहिए। तो आपका जो स्कोर होना चाहिए यहाँ भी 30 होना चाहिए, क्योंकि आपने 1 साल तैयारी किया है। तो यहाँ भी कोशिश कीजिए कि मिनिमम 30 लाने का कोशिश कीजिए। अगर मिनिमम 30 होगा, और यहाँ से अगर मैथ्स का स्कोर अगर हम देखें, तो मैथ्स का स्कोर 44 होना चाहिए, रीजनिंग का जो स्कोर होना चाहिए 46 होना चाहिए, ठीक है, 46 होना चाहिए, जो कि लाया जा सकता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ 90 और 60, 150 हो गया, 90 और 60 है। अगर टोटल स्कोर के बारे में बात करें, तो 90 प्लस में 60 होता है 150। टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल 150 नंबर का किसी भी तरह आपको सोचिए। जो आपका मजबूत सेक्शन है वहाँ से 90 नंबर लेके आइए, जो आपका कमज़ोर सेक्शन है वहाँ से कम 60 नंबर लेके आना है आपको, ठीक है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, नॉर्मलाइजेशन का भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो जो कट ऑफ होगा लगभग 160 के आसपास होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 160 गया था, इस साल भी वही जाने वाला है। क्योंकि इस साल कोविड के चलते बहुत कम वैकेंसी आई, आई भी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो जिसके कारण बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई किया होगा। और हो सकता है कि कोविड के कारण बहुत लोग एग्ज़ाम ना देने जाए, ये भी हो सकता है। बट चांसेज है कि इस बार मुझे जहाँ तक लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो 150 रॉ स्कोर आता है तो 170 तक आने का चांसेज है आपका, ठीक है ना। 170 तक लाने का आप नॉर्मलाइजेशन के बाद लाने का सोच सकते हैं। मिनिमम 150 आपका होना चाहिए। जीके में चलिए 5 नंबर इंक्रीज कर दीजिएगा, 5 नंबर कम से कम 35 तक जाइए, और इंग्लिश में भी 35 तक जाइए, क्योंकि सीजीएल जैसा लेवल नहीं होगा। तो यहाँ 10 नंबर इंक्रीज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 में आपका 100% सलेक्शन होने वाला है जनरल कैटेगरी। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 152 में आपका सलेक्शन हो जाएगा, 152 में EWS हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूआर कैटेगरी के लिए 160 लाना होगा रॉ स्कोर, ठीक है। EWS के लिए मुझे जहाँ तक लगता है 152 के आसपास होना चाहिए। OBC का भी यही 150 से 152 होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी का स्कोर होना चाहिए 138 से 140 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जितना मैंने बता दिया उतना ही कट ऑफ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जीके का लेवल कैसा है। तो जीके का लेवल आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किया, आज ही का शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। पूछा गया आपसे एट विच रिवर इंडिया मैनचेस्टर इज सिचुएटेड। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, साबरमती रिवर हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछा गया कि विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से ये कुछ ये रोग होता है, विटामिन ई, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, स्टिसरिटी रोग विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है। विच कंट्री लियोन मेसी बिलोंग टू, अर्जेंटीना हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों आसान है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्रिकेट से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है ना वो देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ है अलग से आपको दे दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा पढ़ना होगा, इसके लिए आप SSC के प्रीवियस ईयर जो बुक आते हैं उनको देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर का घटना चक्र आता है या राकेश यादव का बुक आता है उनको आप देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ करंट अफेयर का कितना मात्रा है, तो करंट अफेयर या अगर आप देखेंगे तो लियोन मेसी तो स्टैटिक में आ जाएगा, ठीक है। और अगस्त मोमेंट इतिहास हो गया, पार्सियन हो गया, उसके बाद ये फेस्टिवल हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, अजिंक्य रहाने वाला जो है ना क्रिकेट वाला जो हो गया अवॉर्ड, ये करंट अफेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे 2019 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक MS धोनी वाला करंट अफेयर क्वेश्चन होगा, और ये बुक वाला भी करंट अफेयर होगा, APJ अब्दुल कलाम, नहीं करंट अफेयर नहीं है ये, स्टैटिक में कहा जाएगा क्योंकि स्टैटिक जीके है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, आप केवल प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देख के जाते हैं तो भी आप बच सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही तैयार कीजिए SSC के एग्ज़ाम के लिए, और करंट अफेयर के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, SPD का बुक ले लीजिए या कोई भी बुक ले लीजिए, बेसिक आप जान लीजिए, करंट अफेयर अवार्ड हो गया, बुक हो गया,
इन सब के बारे में जान लीजिए, आपका स्कोर लाया जा सकता है इस एग्ज़ाम में। अगर क्वेश्चन आपका हार्ड होगा तो नॉर्मलाइजेशन आपके साथ हो जाएगा। जीके का क्वेश्चन अक्सर हार्ड हो जाता है, अप डाउन हो जाता है जीके के क्वेश्चन में, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि 92 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कट ऑफ आपका 160 प्लस जाएगा, मतलब 80 क्वेश्चन सही करना है। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि 80 में से 80 क्वेश्चन सही कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।